दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आर सल्फ्लेवम के कुछ कन्फर्मेटरी और कीनोट सिम्टम्स के बारे में, उसके और कहाँ कहाँ पे यूजेज होते हैं उसके बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों आर सल्फ्लेवम एक ऐसी दवा है जिसको पर्टिकुलर दवा मानी जाती है ल्यूकोडर्मा के केस में। ल्यूकोडर्मा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें स्किन की जो मिलेनिन्स होती हैं वो कम हो जाती हैं, वहाँ पे सफ़ेदी आ जाती है, तो वैसी कंडीशन के लिए ज़्यादातर यूज़ की जाती है। दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आर सल्फ्लेवम किसी भी कंडीशन के साथ में अगर सफ़ेदी आए स्किन के अंदर में, जैसे इसका जो एक तो कंडीशन होता है कि पर्टिकुलर होता है, मतलब अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर दवा है ये आर सल्फ्लेवम ल्यूकोडर्मा के लिए। लेकिन ल्यूकोडर्मा के साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि आप देखिए कि किसी को रूमेटिक कंडीशंस हो जाती हैं, ठीक है, जॉइंट में पेन वगैरह कंडीशन हो जाती है, डायरिया कंडीशन हो जाती है, तो ये सारी कंडीशन के साथ साथ में अगर ल्यूकोडर्मा भी है तो आर सल्फ्लेवम बहुत अच्छी दवा है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, चूँकि आर्सेनिक है इसके साथ साथ में, तो इसका एक कीनोट सिम्टम भी होता है एंग्जाइटी, उलझन, बेचैनी, ये भी एक सिम्टम इसके अंदर में पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों चूँकि आर्सेनिक है तो इसके साथ साथ में, अच्छा ये हमेशा ध्यान देना होता है कि कभी भी कोई मेडिसिन अगर होती है उसके साथ में उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं तो उसके जो मूलभूत लक्षण होते हैं वो तो उसके अंदर पाए ही जाएंगे। जैसे आर्सेनिक है तो आर्सेनिक के साथ में कोई भी कॉम्बिनेशन अगर होता है या किसी भी और दवा है तो उसके साथ में जो कॉम्बिनेशन होता है तो उसका जो असर होता है वो आता ही आता है, ठीक है ना। जैसे कैल्केरिया कार्ब है तो कैल्केरिया कार्ब का जो सिम्टम होता है वो तो होगा ही होगा, लेकिन कैल्केरिया कार्ब के साथ में अगर बेराटा कार्ब अगर आता है तो उसमें भी कार्बन है, तो कार्बन के जो लक्षण है वो उसके अंदर में कुछ ना कुछ दिखेंगे ज़रूर। बेराटा कर भी होंगे लेकिन कैल्केरिया कार्ब के भी लक्षण होते हैं, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना होता है। तो वैसे ही चूँकि आर सल्फ्लेवम में आर्सेनिक भी है तो इसके अंदर में उलझन, बेचैनी भी होती है, घबराहट भी होती है, इसके साथ साथ में ल्यूकोडर्मा जो कि मेन लीड में होता है, प्रिकिंग लाइक पेन होता है पेशेंट को, और स्किन के कंडीशन में इसमें जो स्किन्स होती है उसके अंदर में आप देखेंगे कभी कभी ड्राई स्किन्स हो सकती है, उसके अंदर में खुजली भी हो सकती है, और साथ में एक लक्षण पाया जाता है डायरिया के केस में कि पेशेंट को डायरिया होती है, जैसा कि आर्सेनिक में पाया जाता है, डायरिया के साथ साथ में ऑफेंसिवनेस, बहुत ज़्यादा बदबूदार डायरिया होती है, तो वहाँ पर भी ये बहुत अच्छा काम करती है। उसके साथ में अगर कोई कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे ल्यूकोडर्मा की भी कंडीशंस मिलती है तो पर्टिकुलर दवा आर सल्फ्लेवम है दोस्तों। तो दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है और इसके जो सिम्टम्स होते हैं ये बड़े यूज़फुल होते हैं। ल्यूकोडर्मा की पर्टिकुलर मेडिसिन है, इसको 3 एक्सपोटेंसी में दिन में 3 बार 4 बार 4-4 गोली फ्रिक्वेंटली लेने पर काफ़ी लंबे समय तक लेना पड़ता है, सफ़ेद दाग में काफ़ी आराम मिलता है, कई सारे पेशेंट को आराम होते देखा गया है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान देना होता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन की कोई आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ पे ज़रूर इसके साथ में और भी कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। बड़ी बार इस दवा के साथ साथ में आर्सेनिक 1 mg या 10 mg की भी आवश्यकता पड़ जाती है बीच बीच में देने की ल्यूकोडर्मा की कंडीशन में। तो दोस्तों ये सब कुछ एक डॉक्टर के सलाह पर उसके सानिध्य में रह करके करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में ताकि वो लोग इससे फ़ायदा ले सकें। फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।